तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे वे बबल सॉर्ट को, इन स्टेप्स को बाद में रीड करेंगे, पहले ज़रा लॉजिकली समझते हैं यहाँ होना क्या चाहिए। मान लो मेरी जो इनपुट है वो ये है, ये लो मैंने लिख लिया। अब ध्यान से समझो, मान लो लास्ट में मेरा यहाँ पे स्वैप होते होते पहले राउंड में 8 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है वो तो वो एलिमेंट है ना जिसको हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, जिसका हमें पता है कि हाँ भाई ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे 7 था, 7 की जगह 8 आ गया, लेट से 7 यहाँ आ गया, तो मुझे पता है कि ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, तो मैं इसके लिए क्यों रन करूँ फिर लूप। ठीक है, तो अब मेरी लूप लॉजिकली बस इतनी रन होनी चाहिए चेक करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है। फिर जब दो एलिमेंट मेरे हो चुके हैं फिक्स, तो मेरी लूप इतनी रन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हर बार जो हमारी मेन फॉर लूप थी वो हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलाते थे, इस बार राइट से लेफ्ट की तरफ चलाएंगे। कहने का क्या मतलब है, आई की वैल्यू जीरो से ना शुरू करके लास्ट से शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक लूप शुरू करनी है आई वेरिएबल के साथ इन द एंड ऑफ एरे, मतलब जितनी इस एरे की लेंथ है उतनी आई की वैल्यू हम रखेंगे, और हर बार आई की वैल्यू घटाते जाएंगे। मतलब पहली बार आई की वैल्यू रहेगी इसके बराबर, यानी 0 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी रखेंगे, जितनी इसकी लेंथ है उतनी रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। एंड हम लोग हर बार जो अंदर वाली लूप है वो चलाएंगे i-1। ठीक है, यानी कि जो j की वैल्यू होगी, j की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक i-1 है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, स्टार्ट इनर लूप विद अ वेरिएबल j अनटिल i-1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा आई है वो कितना है, जितनी इसकी लेंथ है, लेकिन जो मुझे चेक करना है सबसे लास्ट में मुझे एलिमेंट्स लाने हैं, मैं कितनी बार उस लूप को रन करूँगा, भाई एक बार इसके लिए करूँगा, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, तो जितनी इसकी लेंथ है उससे एक कम टाइम, क्योंकि इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, i-1, क्योंकि आई क्या होगा मेरा यहाँ पे, जितनी इसकी लेंथ है। और जैसे कि पहली बार जब ये पूरी लूप रन होगी अंदर वाली इनर लूप मेरी, तो ऑफ कोर्स सी बात है सबसे लास्ट में वो एलिमेंट आ जाएगा जो सबसे बड़ा है, करेक्ट। अब जब सबसे बड़ा लास्ट में आ चुका, तब मैं क्या करूँगा, जो आई की वैल्यू है उसको डिक्रीज़ कर दूंगा, तो हर बार डिक्रीज़ करते जाना है, क्योंकि हर बार लूप रन होने पे एक बड़ा एलिमेंट मिलता जाएगा, और हमारी जो अंदर वाली फॉर लूप है वो फिर इतनी चलेगी। फिर जब ये भी बड़ा मिल गया मुझे, तो अंदर वाली इतनी चलेगी, ये पूरी चला के करना क्या है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, और अंदर वाली के अंदर करेंगे क्या, कि अगर एरे के अंदर जे डाल दो वो बड़ा आ जाता है j+1 से, मतलब ये मेरा जे है, ये j+1 है, अगर ये एलिमेंट बड़ा है तो मैं स्वैप कर दूंगा, स्वैप देम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, फंक्शन बबल सॉर्ट। यहाँ पर मुझे एक एरे मिलेगी, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, लेट आई इज इक्वल टू जो भी मेरी एरे है उसकी लेंथ के बराबर, एंड आई शुड बी लेस देन ज़ीरो, ओ सॉरी, आई शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो और i-, क्योंकि हर बार मुझे एक बड़ा एलिमेंट लास्ट में मिलता जाएगा, फिर मैं लूप यहाँ तक चलाऊंगा माइनस करके, फिर मैं लूप यहाँ तक चलाऊंगा, फिर मैं लूप यहाँ तक चलाऊंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे हम, j इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग j को, तो ज़ीरो से शुरू करेंगे, लेकिन j यहाँ से लेके चलेगा कहाँ तक, जो भी मेरी i की वैल्यू है, j शुड बी लेस देन i-1। ठीक है, मान लो जो मेरा i है उसकी वैल्यू इनिशियली कितनी है, जितनी इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई इसकी, 8, और 8-1 यानी कि 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरी एरे के लिए चलेगी ये लूप, j++ लेट जे। अब यहाँ पे मुझे सिंपल सी चीज़ चेक करनी है कि एरे के अंदर अगर मैं जे डाल देता हूँ और वो बड़ा आ जाता है एरे के अंदर j+1 से, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट से, तो मुझे इन दोनों को क्या कर देना है, स्वैप करना है। अब यहाँ पे स्वैप करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, एरे के अंदर i, एरे के अंदर जे मस्ट बी इक्वल टू एरे के अंदर j, एरे के अंदर i। इस तरीके से हम लोग स्वैप कर सकते हैं दो एलिमेंट को एक साथ। जो मुझे स्वैप करना है वो j एंड j+1 पे करना है, आई नी, और यहाँ आ जाएगा j+1 j। तो मैंने क्या लिखा, पहले मेरा एलिमेंट है j, फिर है j+1, और यहाँ उल्टा कर दिया मैंने j+1 j, ताकि ये दोनों स्वैप हो जाएं।
अगर मेरी वाली कंडीशन ट्रू है तो अब बस ये मेरी फॉर लूप पूरी चलती रहेगी, लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा क्या अपने एरे को, एंड देन कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू बबल सॉर्ट जो भी एरे थी वो, एरे क्या है यहाँ पे, ये वाली है, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, देखते हैं अब नो डेमो डॉट जे एस। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक सॉर्टेड एरे। एक बार फिर से मैं लॉजिक को समझाता हूँ, यहाँ क्या किया भाई, मेरी ये एरे है, मुझे इतना पता है जब पहली बार मैं लूप रन करूँगा अंदर वाली, जिसके अंदर मैं इसको स्वैप करूँगा इसको स्वैप करूँगा, करते करते लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस से स्वैपिंग करूँगा, चेक करूँगा किसको किसको स्वैप करना है, तो लास्ट एलिमेंट तो सबसे बड़ा है ही, उसको तो मुझे करना ही नहीं है ना कभी भी, तो फिर मैं यहाँ तक लूप चलाऊँ ही क्यों, अब मैं नेक्स्ट टाइम इतनी लूप चलाऊँगा, फिर नेक्स्ट टाइम इतनी। तो इसीलिए आई की वैल्यू हमने इनिशियली ही पूरी लेंथ के बराबर सेट कर दी, और लूप हम आई माइनस वन तक चलाएंगे। तो एक बार जब ये फॉर लूप रन होगा तो पूरी के लिए होगा, फिर लास्ट वाला एलिमेंट हमारा सेट हो चुका है तो आई माइनस हो चुका, तो अब आई इतना रह गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 7 हो गई 8 से, और 7 माइनस 1 कर देंगे हम तो कितना रह जाएगा, इतना, तो लूप इतने के लिए चलेगा, एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती रहेगी। अब यहाँ पर आप चाहो तो ये जो स्वैपिंग वाली चीज़ है इसको अलग से एक फंक्शन में भी बना सकते हो, इसी के अंदर कॉन्स्ट स्वैप आइटम्स, यहाँ पे इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लो और उसके अंदर स्वैपिंग कर लो, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्टली जैसे लिख रखा है ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको पता ही है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी ओ एन बाय एन, यानी कि एन की पावर 2 कह सकते हो आप, क्योंकि जितनी बार बाहर वाला फॉर लूप चलेगा एक अंदर वाला लूप भी साथ में रन होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक।